एक क्या राय में जोत उठा। वाह सही है, तेरे बाप ने दिन रात फैक्ट्री में काम किया, इसलिए आज तेरे पास वो डिग्रियां हैं। तू एक काम कर, इनको जला डाल। वैसे भी तेरे बाप ने क्या उखाड़ लिया तेरे लिए सपने देखकर, क्या क्या सोचा था उसने तेरे लिए। मैंने भी कुछ अलग नहीं सोचा था, पर क्या फर्क पड़ता है यहां पे कुछ सोचने या समझने से। मेरे चाचा को भूल गए, दिल्ली के बाहर के गांवों से भेड़ बकरियां लाके चांदनी चौक के तमाम होटलों पे बेचते थे। मोहल्ले वालों ने ये बात फैला दी कि वो गाय मांस का धंधा करते थे, मार दिया, पेट्रोल बम मार दिया उनके ट्रक पे। 9 अक्टूबर का दिन था, मेरा रिजल्ट आया था, फर्स्ट क्लास। खुशी के मारे दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा और क्या देखा, एक जली हुई लाश। अबू ने बताया वो मेरे खालिद चाचा थे, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। खालिद चाचा, अब बता क्या उखाड़ लिया मैंने डिग्रियां लेके। तू जस्टिफाई कैसे कर रहा है बे, जब मेरे साथ पहली बार बात की थी तब तो गला नहीं कांप रहा था तेरा। ओसड़ी के एक बात समझ लो, ये जो तुम्हारी कुछ अच्छा करते हैं वाली सेंटीमेंट अभी भी तुम्हारे अंदर है ना, इसी की वजह से दुनिया भर के सियापे तुम्हारी गांड पे लात मारते रहेंगे और कहेंगे बेटा जख्म भी चुतियापे से भर लो। तुझे कहानी सुनाता, अफजल को उसका बेटा जब जेल में मिलने जाया करता था ना, तो सब उसे ये बोलते थे कि तेरे बाप ने बाकियों को चोट पहुंचाई है इसलिए यहां, आधा देश उसके खिलाफ कुछ उसके साथ। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी और दिल्ली जेएनयू में तो नारे लगते थे कि हर घर में अफजल पैदा होगा। पता है उसके बेटे ने क्या किया, 10वीं में 95% स्कोर किया और जब पूछा गया तो बताया आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर एंड स्टडी इन एम्स। भाई सिर्फ तू ही नहीं है, पूरी दुनिया में काफी लोग हैं जिन्होंने किसी को खोया है। हैदराबाद से इंजीनियर कैंसास गया था तेरे जैसे सपने देखकर, वो पैसा कमाएगा। उसकी बीवी को तो फॉरेन एक्सचेंज में लाश मिली थी, लाश तो कश्मीर में भी मिले थे बहुत, तब तेरी आंखों में हमदर्दी नहीं आई। 21 साल का बंदा था, गलती से पासपोर्ट ले जाना भूल गया था, पूरे दिन अफसपा वाले मारते रहे। जब घर लौटा सीधा होकर चल नहीं पा रहा था और 3 दिन बाद, अरे 1991 याद है, कुनान पोशपोरा, तो वीडियो देखते वक्त तो तू बड़े जोश में लग रहा था। भूल गया मादर चोद कैसे ये लोग तेरी मां बहन को लूटे थे। भूल तो तू ये रहा है कि उसमें से कुछ लोग हुसैनी इस्लामिक ट्रस्ट यूके से भी थे। हाँ वही लोग जो उनके जूते चाटते हैं जो तेरे कैंसास वाले भाई को मार दिए। पर वही परदेश जहां गूगल जैसी एक कंपनी ने तेरे जैसे ही किसी को अपना बॉस मान लिया। वो हर देश जो तेरी शिद्दत को हमेशा तेरी बेवफाई समझेगा। यार वो शिद्दत ही क्या जिसमें गुलाल लाल ही हो, वो आखिर किस काम की जिसमें जुनून ना हो। जुनून है तो अपने आंसू निकाल, रोना ही है तो अपने फर्ज को संभाल, फर्ज की फिक्र है तो अपने बाप की सोच, फक्र है ना तो हर बाप की सोच। A thought can shape you or break you, my friend, so don't give up. It's only a matter of time when you realize there's nothing to give up. Carpe diem is the voice that echoes. Nemesis is what bestows. Carpe diem. Nemesis. Carpe diem. Nemesis. Carpe diem. Nemesis. Carpe diem. Nemesis. Carpe diem. Nemesis.